कॉजेलिटी, स्टेबिलिटी एंड कॉजेलिटी देखते हैं। देखें, हमारा दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एंटी कॉजल में, एंटी कॉजल में इनसाइड फ्रॉम इनर मोस्ट, और जबकि कॉजल के केस में आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट। तो कॉजल सिस्टम तब होता है व्हेन ऑल पोल्स लाइज इनसाइड यूनिट सर्कल। अब एक कॉजल सीक्वेंस जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह का जो होता है, आउटसाइड फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल होता है, तो उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को जब यूनिट सर्कल को टच करने के लिए उसके सारे के सारे पोल्स अगर यूनिट सर्कल के अंदर हो गए तो वो सिस्टम स्टेबल हो। ठीक है, एक एंटी कॉजल सिस्टम जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अंदर की तरफ आता है, अब इसके सारे के सारे पोल्स यूनिट सर्कल से बाहर होंगे ना। ठीक है, जब सारे के सारे बाहर होंगे तो ये यूनिट सर्कल को कवर करेगा, तो फिर ये स्टेबल हो। ठीक है, जीरो का कोई तल्लक नहीं होता स्टेबिलिटी के साथ।